इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैटरीना कैफ की शादी से जितना बॉलीवुड वाले खुश हैं, वहीं इनकी विदाई देखकर कैटरीना के रिश्तेदार काफी दुखी हुए हैं। जहां पर कैटरीना की विदाई के समय काफी सारे सितारों के भी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैटरीना कैफ की विदाई पर बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां इतनी बुरी तरह से इमोशनल हुई हैं कि उन्हें संभालने के लिए उनके पति और बच्चों को आगे आना पड़ा था। तो चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्रियां कैटरीना कैफ की विदाई पर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई हैं। नंबर वन, माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने जब कैटरीना की विदाई की खबर सुनी तब इन्हें अपनी विदाई याद आने लगी, जिसके चलते इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो तो इनके हस्बैंड और बेटे ने इन्हें संभाल लिया, नहीं तो माधुरी रो रो कर ही बेहोश हो जाती। नंबर टू, काजोल। कैटरीना कैफ की आलीशान वेडिंग में भले ही काजोल नहीं गई हो, लेकिन जब इन्हें न्यूज मिली कि कैटरीना की विदाई हो रही है तो ये घर पर ही बैठे बैठे काफी इमोशनल हो गई थी। इन्हें काफी बुरा लग रहा था कि कैटरीना की शादी अटेंड नहीं कर पाई, साथ ही उन्हें विदा होते हुए भी नहीं देख पाई। नंबर थ्री, जया बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की इकलौती धर्मपत्नी जया बच्चन का तो तब बुरा हाल हो गया जब कैटरीना कैफ विदा हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, जया बच्चन अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और चीख चीख कर रो भी रही थी। उन्हें तो मेहमानों ने बड़े ही मुश्किल से संभाला था और होश में लाया था। नंबर फोर, नेहा धूपिया। जी हाँ, कैटरीना कैफ की ऑन स्क्रीन फ्रेंड नेहा धूपिया का तो कैटरीना की विदाई को देख देख कर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जहाँ पर इनके पति अंगद बेदी ने इन्हें जैसे तैसे संभाला था। कैटरीना और नेहा धूपिया की दोस्ती काफी गहरी है। जहाँ पर कैटरीना को विदा होता देख नेहा धूपिया के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस अभिनेत्री ने ज्यादा आंसू बहाए हैं अभिनेत्री कैटरीना कैफ की विदाई पर? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।